तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं कि आप टिकटॉक पे पाउडर इफेक्ट वाले वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो है सेम हार्दिक शर्मा की तरह, जो कि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज हम आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर मैं आपको शूट से एडिट करने का तरीका बताऊँगा प्रोफेशनल तरीके से। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शूट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो को टिकटॉक से ही शूट किया गया था। टिकटॉक एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट शूट कर सकते हैं, या फिर एक मोबाइल फ़ोन में आपको सॉन्ग को प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट कर लेना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो हम शूट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखे, सेकेंड पार्ट का वीडियो यहाँ पे शूट हो चुका है। इस तरह से आपको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट वीडियो को शूट कर लेना है और थर्ड पार्ट भी इस तरह से कुछ शूट कर लेना है। जैसा कि आपने देखे, वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट में शूट किया हूँ, तो आपको भी इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखे है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, आपने जो अलग अलग पार्ट में तीन वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो मैंने यहाँ पे तीन पार्ट में वीडियो को शूट किया था, मैंने वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। इस तरह से आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो वीडियो को आपको प्ले कर देख लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो मैंने लेफ्ट साइड का पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट वीडियो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड वीडियो के स्टार्टिंग पे आएंगे हम। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैलून फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ यही सीन चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड वाले वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले वीडियो में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, सेकेंड वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा। सिंपल इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे, कुछ इस तरह से आपको ये टिंक कर लेना है। इसके बाद लास्ट वीडियो पे आना है। जैसे कि आपको देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में कपड़ा कुछ इस तरह से पहना हूँ, सेकेंड वीडियो में आपको कपड़े को चेंज कर लेना है। थर्ड वीडियो पर आते हैं। थर्ड वीडियो में आपको करना है कि हाथ में कुछ पाउडर कुछ इस तरह से आपको ले लेना है। दोनों हाथ पर आपको थोड़ी थोड़ी पाउडर आपको रख लेना है। तो आपको इस पोजिशन में आना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेकेंड वीडियो कुछ इस तरह से आएगा और थर्ड वीडियो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे कि आप पाउडर उड़ता है तो उस वीडियो को आपको स्लो मो करना है। तो सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इस पार्ट को आपको स्लो मो करना है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे। यहाँ पर आपको 0.5 से पहले एक आपको डॉट मिल जाता है, इस डॉट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। सिंपल आपको फर्स्ट पार्ट पे कुछ करना नहीं है, सेकेंड पार्ट का कुछ वीडियो का आपको स्लोमो करना। इस जैसे कि पाउडर का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा था, आपको स्लोमो दिखाना है इस पार्ट को। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। जो भी पार्ट को आपको स्लोमो दिखाना है तो स्पीड टू प्ले या प्ले हिट कर अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे, यहाँ पर आपको 0.5 करके स्लोमो कर देना है। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो को डिलीट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे आना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।